फिर वाले को इंशाल्लाह अब हम बनाएंगे बिरयानी होती ही क्या इंशाल्लाह। जैसे हमने फास्ट फूड में और बारबेक्यू में अपना नाम बनाया है, शेख वगैरह में हमारा नाम है माशाल्लाह मलीर के अंदर, फिर वालों को दिखाएंगे बिरयानी होती क्या है। पहले हमारी बिरयानी आप आगे टेस्ट करें, उसके बाद इंशाल्लाह एक की जगह दो प्लेटें खा के जाएंगे इंशाल्लाह। चख फ्री में सकते हैं? जी फ्री में चख सकते हैं बिल्कुल। भाई ये मसाला तैयार हो रहा है, ये दिल्ली स्टाइल का मसाला है। वाह भाई वाह, मसाला तो बड़ा जानदार लग रहा है यार। गल गई बुढ़िया, गल गई भाई, गल ये मसाला डल रहा है अंदर। ये देखिए भाई, ये बीफ वाला है ना, होते ना मसाला होता है वो जुबान पे चुपता है, वो एक लाल सा मसाला इसके अंदर, वो लाल मिर्च डाली हुई होती है, वो बिल्कुल भी नहीं है। बहुत ज़बरदस्त टेस्ट है, जितने भी मसाले हैं सारे के सारे बैलेंस्ड हैं, सही है। चिकन इनका अभी तक मैंने ट्राई नहीं किया, लेकिन मुझे चावल ही इतने पसंद आ रहे हैं कि चिकन पे तो मैं बहुत देर बाद आऊँगा। तो पहले चखें उसके बाद खाएँ, तो वाकई ये ऐसी बिरयानी है कि आप चखोगे ना एक प्लेट की जगह दो प्लेट खाओगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग। तो आज हमारी मंजिल है मलहीर काला बोर्ड, और यहाँ पर है भाई व्यू फास्ट फूड मिल्क शेक। अच्छा देखिए, मिल्क शेक बड़ा मशहूर था इनका, खजूर का जो शेक मैंने बहुत पिया है, और फास्ट फूड भी सुना बहुत तारीफ़ है, लेकिन आज इन्होंने लगाई है बिरयानी। और इनका बड़ा कहना है कि भाई, इनका दावा है कि मलहीर वालों को असली बिरयानी खिलाएँगे हम, ऐसी बिरयानी मलहीर वालों ने नहीं खाई होगी। तो हम जरा चखने वाले और आपको बताएँगे जायका कैसा है, और सबसे बड़ी बात पहले चखें उसके बाद ऑर्डर दें। आप ऐसा नहीं है कि आपने ऑर्डर देना है पैसे खर्च करने, नहीं, पहले आपने थोड़ी सी चखनी है, मुतमिन हो उसके बाद बड़ा ऑर्डर दें। तो इनको पता है कि इतना अहतमाद है अपनी बिरयानी के ऊपर कि इनकी दिल्ली स्टाइल की बिरयानी आपको इतना मज़ा करने वाली है कि आप एक की जगह दो प्लेट ऑर्डर कर देंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। तो भाई ये इनका फास्ट फूड सेक्शन है, ये बीफ कबाब लग रहा है, बीफ बर्गर के चिकन दोनों मिक्स है, और आगे ब्रोस्ट वगैरह जिंगर वगैरह बन रहे हैं, ज़बरदस्त। भाई ये मसाला तैयार हो रहा है, ये दिल्ली स्टाइल का मसाला है। वाह भाई वाह, ये बिरयानी का मसाला तैयार हो रहा है, मसाला तो बड़ा जानदार लग रहा है यार। तो भाई देखिए, बारबेक्यू लग रहे हैं और हमारी बिरयानी तैयार हो रही है, चिकन भी है बीफ भी है दोनों है, चिकन बीफ बिरयानी तैयार, और बारबेक्यू टिक्के वगैरह लगना शुरू हो गया। लगाया कभी का लगाया भाई छोटे वाले में, ये लगा छोटे वाले में लगा। अस्सलाम वालेकुम भाई जान, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप। अल्लाह का करम है सर, वालेकुम सलाम। तो क्या नाम है आपके पास, फूड का दूध भी है आपके पास। जी जी जी, क्या है शुरुआत क्या हुई थी। हमने पहले दूध की ही लगाई थी, उसके बाद माशाल्लाह हमारे पास डिमांड बढ़ती गई। सही, उसके बाद डिमांड बढ़ती गई तो हमने फास्ट फूड बारबेक्यू वगैरह लगाया। फास्ट फूड आ गया, ये आपका ये फास्ट फूड है, यहां पर सारा फास्ट फूड वगैरह बन रहा है। आज के लिए फ्री बिरयानी है इंशाल्लाह, कल से जी जी बिल्कुल टेस्ट कराएंगे इंशाल्लाह। टेस्ट कराने के बाद लोगों को मुतमईन करने के बाद ही इंशाल्लाह मलीर वालों को पता चलेगा बिरयानी होती ही क्या है। बीफ भी तैयार है। बताइए कि कौन सा मकाम है ये। ये सर मलीर काला बोर्ड। मलीर काला बोर्ड, बिल्कुल मेन काला बोर्ड। जी बिल्कुल मेन काला बोर्ड, शाहरे फैसल से जैसे आप सऊदाबाद वाले रोड पाएंगे वैसी सबसे पहला होटल हमारा ही है। अभी का रेस्टोरेंट पड़ेगा जी, ठीक है। और टाइमिंग क्या होती है। टाइमिंग है सर यहाँ की शाम 6 बजे से लेकर रात को 3 बजे तक। शाम 6 बजे से लेकर रात 3 बजे तक जी। और बिरयानी की टाइमिंग क्या होगी। बिरयानी इंशाल्लाह दोपहर 2 बजे से लगाएंगे हम, रमजान के बाद। जी रमजान के बाद से। तो बिरयानी चिकन है या बीफ दोनों है। सर दोनों चिकन बीफ दोनों है भाई। और अभी प्राइस क्या रखी है। आज तो चलो आप चेक पे करा रहे हो, लेकिन प्राइस क्या है वैसे। सिर्फ 99 रुपए 99 रुपीज। चिकन जी, चिकन भी बीफ भी दोनों एक ही रेट है जी। अरे वाह जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। चिकन और बीफ बछिया का गोश्त पक्का। बीफ बछिया का सर हमारे पास डिलीवरी की भी है, और पूरे मलीर के अंदर हम डिलीवरी करते हैं, राइडर हमारे पास दो मौजूद हैं, और इंशाल्लाह कल आज से ही डिलीवरी का सिस्टम भी हमने ऑन कर दिया है। डिलीवरी शुरू कर दी है जी। तो चार्जेस क्या है मलीर के अंदर। मलीर के 1 किलोमीटर के अंदर 60 रुपये चार्जेस है सर। 60 रुपये चार्जेस। कॉन्टैक्ट किस तरह करेंगे, नंबर बता दो। सर कॉन्टैक्ट नंबर है हमारा 03-18-21-77-423। इस पर कॉन्टैक्ट कर लें जी सर। थैंक यू सो मच। तो भाई ये देखिए, सारे ये चेक करने आए हो, तो इनका रिव्यू लेंगे हम कि इनको कैसी लगती है, क्योंकि भाई ये कह रहे हैं पहले चखो उसके बाद लो। वालेकुम सलाम यार, बिरयानी बहुत ज़बरदस्त है। सबसे नहीं नहीं बहुत ज़बरदस्त। मैं आपको सबसे अच्छी बात बताता हूँ,
मसाला लग नहीं रहा है। होते ना मसाला होता है वो ज़ुबान पे चुपता है, वो एक लाल सा मसाला इसके अंदर वो लाल मिर्च डाली हुई होती है, वो बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट है। जितने भी मसाले हैं सारे के सारे बैलेंस्ड है, सही है। चिकन इनका अभी तक मैंने ट्राई नहीं किया, लेकिन मुझे चावल ही इतने पसंद आ रहे हैं कि चिकन पे तो मैं बहुत देर बाद आऊँगा। मुझे लग नहीं रहा था कि इतनी अच्छी होगी, लेकिन ये बहुत ज़बरदस्त बिरयानी है। मलीर में कोई अच्छी बिरयानी आ गई है? बहुत कुछ ज़रूर ज़रूर बहुत अच्छी बिरयानी आ गई है भाई। ये आए मैं ज़रा। अच्छा भाई, फ्री की तारीफ मत करना, बाकी बताओ कि जायका कैसा है ना? माशाल्लाह बहुत प्यारा जायका है, मज़ा आया बहुत मज़ा आया माशाल्लाह। अच्छा आपको कैसी लगी भाई? बेहतरीन क्या जायका है, बेहतरीन जायका माशाल्लाह। सही है, मज़े की है, बहुत मज़ा आ गया। अरे आओगे दोबारा आएंगे इंशाल्लाह, नसीब होगा तो आएंगे, रोजे खोलेंगे तो जब तक बिरयानी आ रही है हमारी, तो इन्होंने कहा यार हमारे जरा बारबेक्यू ट्राई करें ना यार, तो जरा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा मज़ेदार है, थोड़ा सा चटपटा सा स्पाइसी है, और जो गोला कबाब का जायका होता है ना, प्रॉपर ऑथेंटिक जायका है, और स्पाइसेस आपको यहाँ के लगते हैं ना तो बताते हैं कि वो स्पाइसेस कुछ गया अंदर, और भुला हुआ है प्रॉपर तरीके से, गोश्त साफ़ सुथरा है, चिकन बल्कि बीफ खाते हैं ना यार, बहुत अच्छा है। मतलब मक्खन मलाई हो रहा है, गोश्त चबाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बच्चा खाए, बड़ा खाए, बूढ़ा खाए, आराम से उसको बाइट कर सकता है, ये देखें ना, और जूसी के अंदर तक प्रॉपर तरीके से मैरिनेट हुआ गोश्त, ये अच्छी बात है ना, मसाले आपको महसूस होते हैं। बारबेक्यू की जान यही होती है कि आपको जो स्पाइसेस है ना बताएं कि कुछ गया अंदर। जरा मलाई बोटी की, मलाई बोटी मैं ये नहीं कह रहा बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन इनके मुकाबले में अच्छी है, नहीं है ओके, मतलब एवरेज जायका है इसका। अब ज़रा चिकन खाते हैं यार, चिकन भी अच्छी है, लेकिन इनके जो गोला कबाब बीफ कबाब है ना, और ये बीफ बोटी है, ये बहुत आता है भाई। तो रहमान भाई हमारे साथ आए हैं, बर्गर का रहमान भाई देंगे, बिरयानी पर दोबारा खा जाऊँगा बार। साथ में जिंगर रखा हुआ है, जिससे मुझे सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी, सबसे पहले मुझे यही उठाना था। ये देखें भाई, अच्छा हैवी लोडेड है जिंगर, और जिंगर ट्राई करते हैं। जिंगर की पैटी है बड़ी मज़े की, तो खाते बड़ा मज़ा आ रहा है उसमें। एक और ट्राई करते, क्योंकि बहुत गर्मा गर्म है ना, जिंगर है मज़े का भाई, मज़ा आ गया है भाई। पैटी हाँ बता रहा हूँ ना भाई, पैटी उसकी इतनी मज़े की लग रही है, मुँह में जाते ऐसी ज़बरदस्त, फुल क्रिस्पी वाला, क्रिस्पी और सॉसी, मज़ा आ गया भाई खा के। अच्छा भाई बिरयानी देखें, ये चिकन वाली बनी हुई, अपने लिए एक प्लेट बनवा लेते भाई, हमारे लिए एक ज़रा बना दो प्लेट यार। तो ये देखें भाई, भाई हमारे बना रहे हैं भाई, लेग पीस लाजमी डालना है यार, लेग पीस हमें सबसे ज़्यादा पसंद है, हाँ लेग पीस लेके आओ यार। ये देखें भाई माशाल्लाह ज़बरदस्त लग रही है, फुल जूसी वाली भाई, हमने हमारे लिए ज़बरदस्ती मसालेदार बिरयानी बना दी। तो भाई ये है दिल्ली स्टाइल की बिरयानी, और कराची के अंदर दिल्ली स्टाइल की बिरयानी बहुत कम मिलती है। अच्छा चावल खिला खिला सा है, देखें चावल खिला खिला सा लग रहा है माशाल्लाह, और खुशबू अच्छी है, और जो हरे मसाले जिस तरह से मुझे पसंद है ना कि हरे मसाले ज़्यादा, वो उसमें नज़र आ रहे हैं। तो ये 100 रुपये की प्लेट है, तो आपको ज़रा बताते हैं जायका कैसा है। है तो मसालेदार यार, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यार, हाथ से खाएंगे ना, हाथ से खाने का मज़ा ही कुछ हो रही है। पनीर की वाकई बहुत अच्छी बिरयानी है यार, दिल खुश हुआ, प्रॉपर जायका बिरयानी का जो होता है ना, जैसे दिल्ली स्टाइल की बिरयानी होती है, ये मुकम्मल वाकई दिल्ली ऑथेंटिक दिल्ली बिरयानी है। स्पाइसेस इसके मसाले बहुत जानदार शानदार हैं यार, मतलब जो चावल गए ना उन्होंने बताया कि कुछ गया मुँह के अंदर, मज़ा आया। अब ज़रा बोटियों के साथ खाते हैं ना, बहुत अच्छा मज़ा, चिकन के साथ ज़्यादा फ्लेवर रीच हो जाता है, मज़ा आता है, यानी इसको कॉम्बिनेशन बड़ा बैलेंस होता है। अक्सर बेशतर चिकन बिरयानी बहुत आम सा जायका दे रही होती है, क्योंकि असल जो जायका आता है आपको बीफ के अंदर आता है, तो सोचिए कि चिकन में ये इतना मज़ा कर रही है तो बीफ में कितना मज़ा करेगी। तो बीफ भी बन रही है मगर चिकन बहुत आउटस्टैंडिंग है प्राइस के लिहाज से, और जो सबसे बड़ी बात कि इतना एतमाद जो उनका था ना कि यार कि पहले चखें उसके बाद खाएं, तो वाकई ये ऐसी बिरयानी है कि आप चखोगे ना एक प्लेट की जगह दो प्लेट खाओगे। तो भाई ये है इनकी बीफ बिरयानी, वाह 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 ज़बरदस्त भाई। ये देखें माशाल्लाह, आप ये पतीला उठा के वहाँ रखेंगे, फिर हम इसमें से बनवाते हैं गर्मा गर्म प्लेट, और खा कर आपको रिव्यू करके बताते हैं। तो भाई देखें बीफ का इंतज़ार हो रहा था, बीफ भी आ गई है माशाल्लाह, ये चेक करें भाई, ये बच्चे का गोश्त है ये भाई माशाल्लाह ज़बरदस्त। यार हमारी भी बना दो भाई फिर एक प्लेट ज़बरदस्ती। ये देखें भाई अब हमारी बनेगी प्लेट, और ये बीफ की कितने की है, बीफ की प्लेट कितने की है? 100 रुपये की प्लेट है भाई बीफ की। ये देखें भाई चावल चेक करें माशाल्लाह,
बीफ का इंतज़ार हो रहा था और ये प्लेट हमारी तैयार हो चुकी है ज़बरदस्त। देखिए भाई बीफ का तो असल में इंतज़ार हो रहा था और ये देखें भाई ज़रा रवास वाली बोटी, अगर आपको रवास याद हो रवास वाली बोटी आ रही है, ये देखें ओए होए होए वाह रवास वाली बोटी है और साथ में है भाई गर्मा गर्म चावल। बिल्कुल बिल्कुल भाई हमने तो आप ही से सीखा है ये बिरयानी होती ही बीफ है। तो भाई सबसे पहले ज़रा चावल चेक कर लें, वैसे चावल माशाल्लाह इनके वैसे ही बड़े अच्छे लग रहे हैं। आधे चावल भी खाओ ना तो तब भी खा लोगे, ऐसे चावल हैं। हाँ हाँ शादी भी मज़े से खाएंगे भाई, मतलब ऐसी है तो साथ में ना अभी ये रवास वाली बिरयानी यही ट्राई करते हैं भाई साथ में ना रवास वाली बोटी बीफ जिसको कहें ना जूसी बीफ, ये जूसी बीफ है, हाँ जूस जैसे निकल रहा है ना अंदर से, बहुत बहुत मज़ा आ रही है भाई, बहुत मज़ा आ रही है ज़बरदस्त। तो चिकन मैंने बताया था, बीफ आ गई है, बीफ का थोड़ा इंतज़ार किया रहे हमारे, मैंने आपको बता दिया और देखें भाई बीफ आपको नज़र आता है यार, और जो खुशबू आ रही है ना ये देखें, ये गोश्त तो गोश्त के साथ एक चम्मच लेते हैं, इसको इख्तराम करते हैं, वाइट ब्लॉक यार बहुत मज़ेदार है, मतलब पैसा वसूल है, 100 रुपये की प्लेट बीफ के अंदर मिल रही है, ऐसा जाएगा मतलब समझ लो कि भाई 10 में से 10 नंबर आ गए। तो इसको मैक्सिमम शेयर कीजिएगा फेसबुक पर, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।